श्री राम समर्थ जून 27 शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा। जरा सोचिए, हम किसी प्रवचनकार को समझ ले या किसी बड़े वैदिक कर्मकांडी को समझ ले, तब हमें ज्ञात होगा कि उसे उन सभी बातों से संतोष होता ही है। ऐसा नहीं, उसे असंतोष है। समझदारी आने के पश्चात हम सदाचार से व्यवहार कर रहे हैं और धर्म कर्म भी कर रहे हैं, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि हमारा ध्येय निश्चित नहीं है। हम नीति से व्यवहार करते हैं, इसका कारण हमें लोगों का डर लगता है, क्योंकि बुरा व्यवहार करेंगे तो लोग हमें बदनाम करेंगे। मान सम्मान के लिए किया गया कर्म कभी संतोष नहीं देता। पाप कर्म करने वाले को भी संतोष नहीं होता, क्योंकि उसे भी लगता है कि जो वह कर रहा है वह बुरा है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए और बोले, भगवान के यहाँ कोई न्याय नहीं है, वह बिल्कुल अन्यायी है। मैंने उससे पूछा, ऐसा आखिर वो भी क्या गया? इस पर वह बोला, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, सदाचरण से चला, लेकिन मैं सिर्फ एक मंजिला घर बना सका, जबकि मेरे पद से छोटे पद पर काम करने वाला निकम्मा कारिंदा घूस लेकर मेरे घर के सामने दुमंजिला घर बना सका। तब मैंने उससे पूछा, तो फिर आपने क्यों नहीं घुस ली? इस पर वह बोला, मुझे वह अच्छा नहीं लगता, लोग बदनाम करेंगे। यानी जो कर्म अपने मान सम्मान के लिए किया जाता है वह कभी संतोष नहीं दे सकता। गृहस्थी करते समय हमें सुख मिले इसलिए हम मन्नते मनाते हैं और मान सम्मान के लिए नीति से आचरण करते हैं, तो फिर उससे शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा? सुहागन ने अच्छे अच्छे गहने पहने, सुंदर साड़ी पहनी, लेकिन ललाट पर यदि बिंदी नहीं लगाई तो इन सारे नोकझोंक का क्या उपयोग? उसी प्रकार यदि भगवान से प्रेम नहीं किया तो सत्कर्म का अपेक्षित लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत भगवान के प्रति निस्सीम प्रेम भी होगा और नीति धर्म का आचरण नहीं होगा तो परमार्थ का भवन स्थायी नहीं होगा। सचमुच परमार्थ अत्यंत सरल है, विद्वान लोग यूं ही उसे कठिन करके बताते हैं। अच्छा क्या और बुरा क्या, यह समझने की एक औसतन आयु होती है। उसके बाद अच्छाई के मार्ग पर जो चलेगा उसे परमार्थ अवश्य सधेगा। परमार्थ निम्नलिखित तीन बातों में से किसी एक से सधेगा। एक, देह से साधु की संगति। दो, संत साहित्य की संगति और तदनुसार आचरण। और तीन, भगवान का नामस्मरण करते हुए उसकी अखंड संगति। संतों ने जो कहा है उसका निसंशय आचरण करना यह पहली सीढ़ी है, और आगे निश्चय श्रद्धा और प्रेम से उसी का आचरण जारी रखना अंतिम सीढ़ी है। यही शाश्वत संतोष का मार्ग है। आज का मुख्य विचार, संसार क्या कहेगा इस भय से आचरण है व्यवहार, और भगवान क्या कहेगा इसे ध्यान में रखकर आचरण है परमार्थ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।